Good morning and assalamu alaikum students hope you are in good state of health and taking all the precautionary and hygienic measures to combat the pandemic situation of coronavirus disease my name is dr fukan bhatti i am subject coordinator biology american lifestof school as a part of the series of online lectures today's lecture is about golgi apparatus it is a topic of biology class 9 given in the chapter number 4 and on the page number 64 So, students, before going into the details of the Golgi apparatus, let's have a little bit introductory information about the Golgi apparatus so that we can develop a good concept of it. Uh, you can see it is Golgi apparatus is a membranous structure. You can see different membranes piling over each other. You can see these. The, this structure has basically two ends. One is this cis face. इट इज़ नॉट गिवन इन योर बुक बट यू मस्ट बी नोइंग इट एक इसका ये सिस फेस है एंड द अदर फेस सिस फेस एक्चुअली इसका वो फेस है जहाँ पर डिफरेंट मालिक्यूल्स एंटर होते हैं बेसिकली इसका एंट्री साइड है आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ भी है, इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स लाइक समझ लीजिए कि एक प्रोटीन का मालिक्यूल है और प्रोटीन बनाना आपको पता है राइबोसोम्स का काम है तो ये एक प्रोटीन मालिक्यूल है जो राइबोसोम्स है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन के इस सिस फेस ऑफ गॉल्जियोप्रेटस की तरफ आ जाता है इस सिस फेस में से एंटर होने के बाद ये इन मेम्ब्रेन्स में ट्रैवल करता रहता है ये जो प्रोटीन मालिक्यूल है और ट्रैवल करते करते यू कैन सी कि ये किसी एक जगह से इस तरह बबल बन के बाहर आ जाता है ये फेस इसका सिस फेस है और जिस फेस से ये बन के बाहर आ रहे हैं यू कैन सी ये बन रहा है ये बन रहा है ये बन रहा है ये बन रहा है ये फेस इसका ट्रांस फेस कहलाता है तो सिस फेस में से डिफरेंट मटेरियल्स एंटर होते हैं इन चैनल्स में से ये गुजरते हुए ट्रांस फेस में से आप देख सकते हैं कि ये बाहर आ जाते हैं इस ट्रैवलिंग इस जर्नी का मकसद क्या है कि सिस फेस से एंटर हुआ और ट्रांस फेस में से बाहर आ गया रास्ते में क्या हुआ है इनफैक्ट ये एक प्रोटीन मालिक्यूल था जिसके बाहर किसी भी तरह की कोई कवरिंग नहीं थी ये पैक्ड मालिक्यूल नहीं था जब ये इस गोलजी में से गुजरता है तो इसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन सी चढ़ जाती है यू कैन सी कि इसके ऊपर एक ब्लैक सी मेम्ब्रेन चढ़ गई है जो कि पहले इस पर मौजूद नहीं थी ये जो मेम्ब्रेन इस पर बन गई है इस मेम्ब्रेन की वजह से नो दिस इज़ पैक्ड मालिक्यूल और पैक होने के बाद ये सेल के अंदर यानी इंट्रा सेलुलर या सेल से बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट के लिए रेडी है सो हम कह सकते हैं कि गॉल्जी ऑपरेटर्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो बेसिकली डिफरेंट मालिक्यूल्स की पैकिंग में इन्वॉल्व है बिल्कुल इसी तरह जिस तरह सपोज आपकी एक सॉक्स की बनाने की फैक्ट्री है सॉक्स बनती है वहाँ पे, तो उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं लाइक कनाडा में यूएसए में इंग्लैंड में तो क्या हम सॉक्स बना के एज इट इज़ उनको भेज देंगे या इवन लोकल मार्केट में भी सेल करनी है तो क्या उसे पहले पैक नहीं करना होगा बिल्कुल हम उसे पॉलिथीन बैग्स में भी पैक करते हैं फिर कार्डबोर्ड के जो हैं बॉक्सेस उनमें भी पैक करते हैं तो ये बेसिकली पैकिंग की फैक्ट्री है सो व्हाट इज ऑपरेटर्स इट इज़ अ स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकिंग ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इंट्रा सेलुलरली यूनि सेल के अंदर को ट्रांसपोर्ट करें और एक्स्ट्रा सेलुलरली सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट करना हो सो किसी भी तरह की ट्रांसपोर्ट करने से पहले मालिक्यूल्स को पैक होना जरूरी है उस पैकिंग के लिए हमारे पास ये गॉल्जी ऑपरेटस है जिसका एक सिस फेस है जहां से मालिक्यूल्स एंट्री लेते हैं पैक होते हैं और फेस में से बाहर आ जाते हैं सो इट वॉज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट गॉल्जी ऑपरेटस सो वाट आर द लर्निंग आउटकम्स आफ्टर दिस लेक्चर वट शुड यू बी नोइंग क्या पता होना चाहिए जी नंबर वन कि ये डिस्कवर किसने किए थे डिस्कवरी नंबर टू अक्रंस के आपको कहाँ पे मिलते हैं नंबर थ्री डेफिनेशन के ये इनकी डेफिनेशन क्या है नंबर फोर इनका स्ट्रक्चर कैसा है एंड नंबर फाइव व्हाट फंक्शंस डू दे परफॉर्म ये हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं ये जी सो द फर्स्ट स्लाइड इज अबाउट द डिस्कवरी इन्हें डिस्कवर किसने किया था आप ये Uh, एक इमेज देख सकते हैं ये कैमिलो कैमिलोगोलॉजी एक साइंटिस्ट हैं ये इनका नाम लिखा हुआ है बेसिकली इटली से बिलोंग करते थे इटालियन फिजिशियन है इन्होंने गॉलजियोपिटस डिस्कवर किया था और इस डिस्कवरी पर इन 1906 जीरो सिक्स ही गॉट अ नोबेल प्राइज एज वेल एंड नोबेल प्राइज़ इन विच सब्जेक्ट्स इन द सब्जेक्ट ऑफ फिजियोलॉजी एंड इन द सब्जेक्ट ऑफ मेडिसिन सो बेटा दीज आर एक्चुअली द एम सी क्यूज यू शुड बी नोइंग गॉलजियोपिटस वर डिस्कवर्ड बाई कैमलोगोजी

चाहे वो क्लोरोप्लास्ट है चाहे माइटोकॉन्ड्रे जितने भी मैम ब्रेन बॉन्डी रगनेल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूक्रोड्स में पाए जाते हैं प्रोक्रियोटिक सेल में वो मौजूद नहीं होते सो गॉजियोपेट्स so, भी सिर्फ आपको यूक्रियोटिक सेल्स में मिलेंगे और यूक्रोटिक सेल्स में बोथ इन एनिमल एंड प्लांट सेल एनिमल सेल एंड प्लांट सेल दोनों में ये पाए जाते हैं दे आर प्रेजेंट ओनली इन यूक्रियॉड्स एंड दे आर एब्सेंट इन प्रोक्रियोटिक सेल्स देन कम्स द डेफिनेशन व्हाट इज गॉल्जी कॉम्प्लेक्स या गॉल्जी ऑपरेटस गॉल्जी गॉल्जी ऑपरेटर्स को गॉल्जी बॉडीज भी बोलते हैं एंड गॉल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है अ सेट ऑफ फ्लैट आप देख सकते हैं ये फ्लैट flat, मीन जो फ्लैट फ्लैट हैं ये सैक्स का एक सेट है पूरा आप देख सकते हैं और इन फ्लैट सैक्स को हम क्या बोलते हैं सिस्टर ने क्या बोलते हैं सिस्टर ने सेट ऑफ फ्लैटन सैक्स और सिस्टर ने प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैकिंग ऑफ मटीरियल्स तो ये बात अभी हमने की भी थी कि ये पैकिंग ऑफ द मटीरियल्स प्रोड्यूसड सेल एक सेल में जो भी मटीरियल प्रोड्यूस होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने से पहले पैकिंग में लाना इनका काम है और ये बेसिकली फ्लैट एंड सैक्स का सेट है रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकिंग द मटीरियल्स प्रोड्यूसड इन अ सेल नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर इनका कैसा है जी अभी मैंने आपको कहा कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स को गोल्जी बॉडीज या गोल्जी अपरेटस भी बोलते हैं अपरेटस का मतलब है कि ये मुखलिफ चीजों का कॉम्बिनेशन है इसलिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स भी कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स होता है तो ये कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपरेटस इसलिए बोलते हैं कि ये पूरा सेट है दीज आर डिफरेंट मेम्ब्रेन्स विच जॉइंट टू मेक अ सेट सो अ सेट ऑफ फ्लैटन सैक्स और सिस्टर ने विच स्टैक ओवर ईच अदर आप देख सकते हैं ये एक सिस्टर ने है दूसरा है तीसरा है चौथा सिस्टर ने पे सिस्टर ने मौजूद हैं और पूरा एक सेट बन गया है इनका सो अ सेट ऑफ फ्लैट एंड सैक्स विच स्टैक ओवर ईच अदर जो एक दूसरे पर हीप अप हैं पाइल अप हैं ढेर बना रहे हैं एक दूसरे पर लेयर्स बना रहे हैं दे मेक आर दे आर कॉल्ड एज गॉल्जी ऑपरेटर्स आर गॉल्जी कॉम्प्लेक्स सो गॉल्जी ऑपरेटस आपको नजर आ रहे हैं और ये एक दूसरे पर देखें स्टैक बना के बैठे हुए हैं इस पूरे स्ट्रक्चर को आप गॉल्जी ऑपरेटस गॉल्जी बॉडीज या गॉल्जी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट द फंक्शन ऑफ द गॉल्जी ऑपरेटस इसका फंक्शन अभी हमने इंट्रोडक्ट्री uh, जो लाइन हमने शुरू में बोली उसमें हम पढ़ चुके हैं कि इट मॉडिफाइज एंड पैक्स द डिफरेंट मटीरियल्स कमिंग फ्राम ई आर ई आर क्यों क्योंकि एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम पर भी राइबोसोम्स लगे होते हैं राइबोसोम्स प्रोटीन्स बनाते हैं उन प्रोटीन्स को मॉडिफाई करना यानी उनका स्ट्रक्चर या उनका कंपोजिशन चेंज करना या उनको पैक करना इनका काम है सो दे आर इन्वाल्वड इन मॉडिफिकेशन एंड पैकिंग ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स कमिंग फ्राम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड नंबर टू उसके बाद जो नए वेजिकल इनमें से बाहर आते हैं अगर मैं आपको दोबारा दिखाना चाहूँ तो ये वो वेजिकल हैं जो पैक हो के बाहर आ रहे हैं दिस वान, दिस वान, दिस वन 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 दिस वन दिस वन दिस वन ये जो पैक हो के बाहर आ रहे हैं वेजिकल्स इन्हें हम गोल्जी वेजिकल्स भी बोलते हैं सो so बेसिकली ये मॉलिक्यूल्स को पैक करके गोल्जी वेजिकल्स बना देते हैं

now it's your turn to open up your books and go through it go through the topic and if you find any problem in understanding you may link us so that we can guide you in a proper way uh, take good care of yourself thank you very much